हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखते हैं कि सिल्वर मिनी में क्या सेंटीमेंट बन रहे हैं। सिल्वर मिनी का हैमर पैटर्न और भी ज़्यादा बुलिश टाइप का बना हुआ है, उसको भी हम देखते हैं और सीखते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ आपको काफ़ी कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिलते हैं जिससे आपकी लर्निंग कंटिन्यू इंप्रूव होती रहती है। प्लेलिस्ट में जाके आप कुछ लर्निंग कंटेंट है उस वहाँ पे देख सकते हैं। साथ में मैंने जो वीकली एनालिसिस किया है उसको भी आप देखेंगे तो वहाँ से आपको किस तरह से मार्किंग करता हूँ, क्या मेरी स्ट्रेटजी रहती है, उसको आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ से आप जो से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसमें मैं चार्ट अपने पोस्ट करता रहता हूँ। अब फ्रेंड हम सिल्वर मिनी में आ गए हैं। सिल्वर मिनी की प्राइस एक्शन अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो आप देख रहे हैं ये 16 की कैंडल क्लोजिंग करती है, लेकिन उसके आसपास जहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है लगभग सिमिलर टाइप पे क्लोज करती है। लेकिन ये 17 की जो कैंडल बनी है क्लोजिंग बेसिस पे उससे ऊपर निकल गई है और ओवरऑल जाके जो इसका हाईएस्ट पॉइंट था उसी के आसपास कहीं है क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। अब इसके बाद मार्केट के लिए जो नेक्स्ट मूव बनता है 66,000 के ऊपर ओपनिंग, ये ओपन होके धीरे धीरे करके ऊपर निकले तो इसके लिए फिर नेक्स्ट सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है 66,400 का रेजिस्टेंस रहेगा, फिर 66,600, उसके बाद में 66,800। ये साले इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस का काम ऊपर करने वाले हैं। लेकिन मार्केट में आज जो ओपनिंग होने वाली है वो ओपनिंग की अगर बात करते हैं, इनकेस ऊपर होता है तो ये रेंज इसके लिए रहेगा, अगर इनकेस से नीचे खुलता है तो मार्केट के लिए दोबारा से ये जो इसका एक क्लोजिंग बेसिस था, कल की ओपनिंग थी, ओपनिंग इसका एज ए सपोर्ट काम करने वाला है जो कि लगभग 65,500 का लेवल है। तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा इसमें प्लान करके चलना होगा क्योंकि मार्केट ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है। अब वो रिकवरी को कितना सस्टेन करता है उसके लिए आज की ओपनिंग इम्पॉर्टेंट है। दो दिन का अगर पैटर्न हम देखते हैं तो दो दिन मार्केट ने इंगल्फ किया है और ये जो ओवरऑल एक कैंडल का इंगल्फ बना है ये अल्टीमेट बन गया है, सारी इसने कवर कर लिया। उससे पहले इसने धीरे धीरे प्राइस एक्शन देना स्टार्ट कर दिया था कि मैं अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो कैंडल यहाँ पे बन रही है उसका मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा था, 4 आवर टाइम फ्रेम में चलेंगे तो अभी मैं उसको आपको और अच्छे से क्लियर करूँगा कि क्यों ऐसा बनता हुआ नज़र आया था। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर न्यूट्रल हैं, अगर इनकेस यहाँ पर ओपन होता है तो आपको मार्केट यहाँ से फिर रिकवर हो सकता है ऊपर की तरह जैसे रेगुलर बेस से कर रहा है, नहीं तो मार्केट के लिए 65,400, 400, 500 ये सारे इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाले हैं। ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर इसके लिए 200 पॉइंट पे ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा टेक केयर करके ही ट्रेडिंग करें प्लानिंग करना होगा। अब इसके बाद 4 आवर सेटअप में अगर देखते हैं तो 4 आवर सेटअप में अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, इंगल्फ किया इस कैंडल ने, इस कैंडल की पावर आपको ऑलरेडी मैंने प्रीवियस उसमें ही बता दिया था जो हमारी एनालिसिस हुआ करती थी कि बहुत ज़बरदस्त डिमांड जोन के पास है ये, और वो डिमांड जोन आपके लिए ये हुआ करता था। मार्केट के लिए ये डिमांड जोन ही काम किया है, अगर आप देखोगे लगभग 64,750 के आसपास से मार्केट रिकवर किया है और इसी के लिए ये छोटी सी कैंडल बनी है, बहुत अच्छा डिमांड जोन का काम किया है। डिमांड का मतलब होता है मार्केट जहां से रिएक्ट कर जाए, जहां बायर्स ज़्यादा एक्टिव बैठे रहते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अभी मार्केट यहाँ भी थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है लेकिन अभी न्यूट्रल है, पॉजिटिव टूवर्ड्स न्यूट्रल। तो अभी इसको थोड़ा सा आपको आज भी प्लानिंग करना है लेकिन मार्केट को ओपन होने दीजिए, 66,000 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करने दीजिए एक कैंडल को, उसके बाद में थोड़ी सी हम 200-300 पॉइंट के लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इनके मार्केट दोबारा 65,400 के आसपास आता तो यहाँ से हम थोड़ी सी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं दोबारा 300-400 पॉइंट के लिए। देखते हैं फ्रेंड्स कैसा रहता है मार्केट, जैसा भी रहेगा मैं आपको अपडेट करूँगा। थैंक यू, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए मेरे चैनल को।